हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटीज चैनल कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम दी फैकल्टी ऑफ लॉ इन दी कंपटीशन कम्युनिटी और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं एक और वीडियो लेक्चर आज का हमारा वीडियो लेक्चर फिर से होने जा रहा है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट नाइनटीन के पार्ट में जिसमें इस पार्ट में हम डील करेंगे चैप्टर सिक्स एफ लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट जो कि बात करता है परमानेंट लोक अदालत के बारे में इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इससे पिछला वीडियो जो हमने बनाया था उसमें हमने बात करी थी लोक अदालत के बारे में उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए ताकि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत क्रिस्ट, बहुत क्रिस्प शॉर्ट और टू अंडरस्टैंड रहे आप बहुत जल्दी क्रैक कर लेंगे कि चैप्टर कहना क्या चाहता है तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे पहले क्या समझना है हमें सर सबसे पहले हमें ये देखना है कि चैप्टर सिक्स ए के बारे में बात कर रहा है यानी कि ए जो लगा हुआ है ये अमेंडमेंट से एड हुआ था और ये अमेंडमेंट है कहाँ का नीचे आपको दिख जाएगा 2002 का ठीक है सर समझ गए इस बात को ये कुछ ऐसा टफ नहीं था ठीक है चैप्टर सिक्स ए का टाइटल क्या है प्री लिटिगेशन कंसिलेशन एंड सेटलमेंट ठीक है कुछ था जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे आगे यहाँ पे हम अपने दिमाग को ब्लॉक नहीं करेंगे कि हम पहले टर्म में ही फंस गए कि अंदर क्या लिखा है पता नहीं समझ ही नहीं आने वाला सेक्शन ट्वेंटी टू ए ये क्योंकि अमेंडमेंट से ऐड हुआ था इसलिए सारे सेक्शन नंबर्स क्या होंगे ए में डले होंगे ए बी सी डी ट्वेंटी टू के ए बी सी डी होंगे क्योंकि अमेंडमेंट से डले हैं वो सीरियल वाइज

कि 22 बी में परमानेंट लोक अदालत का स्टैब्लिशमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनेशन एग्जामेशन से क्योंकि लोक अदालत के बारे में आपको पता होता है लीगल एड किनको मिलेगी ये पता होता है लेकिन आप इसमें मिस आउट कर जाते हैं क्या

बाई एनी स्टैब्लिशमेंट सिस्टम ऑफ पब्लिक कंजर्वेंसी एंड सैनिटेशन सर्विस एंड हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी इंश्योरेंस सर्विस यह सब किसके अंडर में आ जाएगा सर यह सब आ जाएगा पब्लिक यूटिलिटी की डेफिनेशन या एमबिट के अंडर में ठीक है एंड इक्लूड्स एनी सर्विस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द के केस मे इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाई नोटिफिकेशन डिक्लेयर टू अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस फॉर द प पर प पर प पर प पर प परस ऑफ दिस चैप्टर जिसको भी सेंट्रल एड स्टेट गवर्नमेंट एज द के के मे भी अगर स्टेट का मैटर है सालसा से रिलेटेड है तो स्टेट गवर्नमेंट और अगर नेशनल मैटर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी उसमें So, cause rules या या subtraction, alteration करेगी। को समझते हैं ट लोक अदालत क्या कह रहा है नॉट सेंट्रल अथॉरिटी और एज द केस में स्टेट अथॉरिटी शेल बाई नोटिफिकेशन अदालत यानी कि क्या कह रहा है कि हर स्टेट में स्टेट अथॉरिटी यानी कि सालसा और हर दिल्ली में यानी कि नेशनल कैपिटल जो है हम हर देश नहीं कहेंगे इसको इसको हम कहेंगे हमारी कंट्री में एक लौता, तो नालसा जो बनाएगी यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी क्या बनाएगी स्टैब्लिश करेगी किसको परमानेंट लोक अदालत को हमने समझा था कि लोक अदालत में हमने पढ़ा था कि गिवन टाइम इंटरवल्स में लोक अदालत ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है जैसा अथॉरिटी को ठीक लगे तो यहाँ पे क्या आ गया कि भाई अब जरूरत उसकी ज्यादा लगी वो सक्सेसफुल हो रहा है तो एक परमानेंट लोक अदालत होनी चाहिए जहां पर लोग जाके परमानेंटली अपने मैटर को रिजोल्व करवा पाए उसी के बारे में बात कर रहा है ये कह रहा है कि वो स्टेट अथॉरिटी और सेंट्रल अथॉरिटी नोटिफिकेशन क्या कर सकते हैं ठीक है एवरी लोक अदालत स्टैब्लिड फॉर एरिया कौन कौन मेंबर होंगे इसको देख लीजिए सबसे पहला मैं आपको बिना देखे बता देता हूं कि उसमें एक चेयरमैन होगा चेयरमैन कौन होगा जो कि एडीजे या डीजे रैंक का हो या फिर कोई ऐसा पर्सन जो इन दो रैंक से ऊपर की पोजीशन को होल्ड कर चुका हो और वो मेंबर जुडिशियल सर्विसेज का ही होना चाहिए ये पॉइंट क्लियर है सर यहां पे पढ़ लेते हैं अ पर्सन हु हु इज इज और हैज बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और हैज हेल्ड जुडिजिक्शन ऑफिस हायर इन रैंक देन दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी द चेयरमैन ऑफ द परमानेंट लोक अदालत यानी कि परमानेंट लोक अदालत का एक चेयरमैन होंगे और कौन है टू अदर पर्पज हैविंग टू अदर पर्सन हैविंग एडिक्ड एक्सपीरियंस इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस टू बी नॉमिनेटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट और एज द केस में भी स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी और एज द केस में बी बाय द स्टेट अथॉरिटी यानी कि सालसा स्टेट के मैटर में नालसा सेंट्रल के मैटर में रिकमेंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्मेंट को कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हमने ऊपर देखा था उससे रिलेटेड मेंबर्स को भी परमानेंट लोक अदालत का क्या बनाया जाएगा मेंबर बनाया जाएगा जो चेयरमैन के साथ या उनके नीचे काम करेंगे अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी और एज द केस में भी बाय द स्टेट अथॉरिटी

कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल कोई मैटर है कि नहीं हमें कैसा पता चलेगा सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 320 आप 320 सेक्शन को खोलिए उसके अंदर आपको दिख जाएगा वो ऑफेंसेस जो कि कंपाउंडेबल हैं और वो ऑफेंसेस जो उस लिस्ट में नहीं दिए गए हैं वो नॉन कंपाउंडेबल मान लिए जाएंगे और कंपाउंडेबल का अगर शॉर्ट मीनिंग बताऊं तो कंपाउंडेबल वो ऑफेंसेज जिसमें कॉम्प्रोमाइज अलाउ होता है आउट ऑफ द कोर्ट विद द ड्यू परमिशन ऑफ द कोर्ट ठीक है सर

चेयरमैन के पास या जो भी मेंबर है जो भी उनका पर्टिकुलर मैटर को ट्राई कर रहे हैं उनको पता चल जाए कि ये दोनों पार्टी क्या कहना चाह रही हैं उनको लिखित में चीजें जमा करें और वो क्या कर सकते हैं वो जो भी लिख के देंगे एप्लीकेशन उसके साथ डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस भी लगा के दे सकते हैं ठीक है मे रिक्वायर एनी पार्टी टू द एप्लीकेशन टू फाइल एडिशनल स्टेटमेंट बिफोर इट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स या क्या क्या कह रहा है ये ये सिर्फ इतना कह रहा है कि एडिशन जो है एप्लीकेशन भी मांगा जा सकता है ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग यानी कि जब प्रोसीडिंग चल रही है दोनों के बीच नेगोशिएशन कराया जा रहा है तो उस समय उन दोनों की दोनों पार्टी से मांगा जा सकता है प्रोसीडिंग के बीच में कि आपने जो हमें एप्लीकेशन दी थी इसमें आपने अपना साइड डिस्प्यूट का समझाया था उसके एडिशन में भी आपसे कुछ मांगा गया वो भी प्रोवाइड करिए कोर्ट को शेल कम्युनिकेट एनी डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट बाय इट फ्रॉम एनी पार्टी टू द एप्लीकेशन टू द अदर पार्टी टू इनेबल सच अदर पार्टी टू प्रेजेंट रिप्लाई देयर टू अब एक पार्टी दूसरी पार्टी पे क्या ही लगाएगी ब्लेम लगाएगी डिस्प्यूट तभी तो हुआ है तो वो जो पार्टी ने ब्लेम लगाया है उसकी एक कॉपी कोर्ट के पास पावर है कि वो किसको दे देगी वो दे देगी अदर पार्टी को ताकि वो क्या कर सके उस पार्टिकुलर केस में उसमें

पार्टीज को आपको असिस्ट करना है कि वो क्या कर सकें अब दोनों पार्टी लोक अदालत में आई हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब दोनों ही चाहती हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि आप उनको लीगल तरीके से बिना इम्पार्शियल हुए दोनों को एड करिए ताकि वो एक कॉमन कॉम्प्रोमाइज में पहुंच सके ठीक है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टी टू द एप्लीकेशन टू कॉपरेट इन गुड फेथ विद द विदॉर्मेंट लोक अदालत इन कंसीिलेशन ऑफ द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन एंड टू कंप्लाई डायरेक्शन ऑफ द देंट लोक अदालत टू प्रोड्यूस एविडेंस एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इट कह रहा है कि ये पार्टी का पहली बात तो क्या है आपके ऊपर एक ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है कि आप कॉपोरेट करेंगे परमानेंट लोक अदालत के साथ कि उनकी प्रोसीडिंग में आपको हेल्प करनी है और साथ ही साथ वो आपसे जो भी प्रोड्यूस करने बोलेंगे डॉक्यूमेंट एविडेंसेस उनको आपको कॉपोरेट करके प्रोड्यूस करना है व्हेन परमानेंट लोक अदालत इन एफोसेट कंसीलेशन प्रोसीडिंग इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट इन सच प्रोसीडिंग विच मे बी एक्सेप्टेड एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज इट मे फॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ पॉसिबल सेटलमेंट बस इतनी सी बात कह रहा है कि जब कभी भी लगने लग जाए किसको पर्मानेंट लो, लोक अदालत को कि हाँ ये जो हम कंसिलेशन कर रहे हैं इसमें दोनों पार्टीज को क्या है ऐसा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये दोनों हुए लग रहे हैं कि 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 शायद मान जाएंगे तो उस समय उनकी क्या बनती है कि वो फॉर्म करें यानि कि जो भी उनके बीच में होगा ऐसे करके घर नहीं भेजा जा सकता ना कि आप आपके, कि आप आप कि आपके बीच कॉम्प्रोमाइज हो गया घर जाइए पार्टी के ऊपर जो कि ऑब्लिगेटरी और आपको मानना होगा तो उस केस में वो टर्म्स कंडीशन को फॉर्मुलेट करेगा और उसका समझौता करवाएगा वेर द पार्टीज फेल टू रीच एट एन एग्रीमेंट अंडर सबसेक्शन सेवन प पर ऑफ अदालत शेल इफ द डिस्प्यूट डज नॉट रिलेट टू एनी ऑफेंस डिसाइड द डिस्प्यूट क्या कह रहा है अगर वो डिस्प्यूट कोई ऑफेंस नहीं है तो वो उसको डिसाइड कर सकता है अगर वो किसी सेटलमेंट में नहीं पहुँचे प्रोसीजर ऑफ पर्मनेंट लोक अदालत द पर्मनेंट लोक अदालत शेल वाइल कंडक्टिंग कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स और डिसाइडिंग डिस्प्यूट ऑन मेरिट अंडर दिस एक्ट बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑब्जेक्टिविटी फेयर प्ले इक्विटी एंड अदर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड शल नॉट नॉट भी बाउंड बाई द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड द इंडियन एविने एक्ट बस ये सिर्फ इतना कह रहा है कि इससे आपको दो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है पहला कि लोक अदालत में क्या होता था मैटर को डिसाइड नहीं करते थे यहाँ पर वो मैटर को डिसाइड भी कर सकते हैं बस प्रिंसिपल्स ऑफ नैचुरल जस्टिस और प्रिंसिपल ऑफ नैचुरल जस्टिस एंड फेयर प्ले एंड ऑब्जेक्टिविटी के कंडीशन को फुलफिल करना है और साथ ही साथ इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग लिख दी कि ये जो है सीपीसी और एविडेंस से क्या है बाउंड नहीं है ये अपने आप में एक थिंकेबल चीज है ऐसा क्यों हो सकता है फिलहाल हमें चैप्टर खत्म करना है तो हम आगे बढ़ते हैं अवार्ड ऑफ पर्मनेंट लोक अदालत टू बी फाइनल ये हमने पढ़ा था लोक अदालत का जो अवार्ड होता है वो हमेशा फाइनल और बाइंडिंग होता है एवरी अवार्ड ऑफ द पर्मनेंट लोक अदालत अंडर दिस एक्ट मेड इधर ऑन मेरिट और इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट शेल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज टू एंड ऑन पर्सन क्लेम अंडर दम यानी कि वो फाइनल और बाइंड बाइंडिंग होगा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एवरी अवार्ड ऑफ दर्मनेट लोक अदालत अंडर दिस एक्ट शेल डीम टू बी अ डिग्री ऑफ अ सिविल कोर्ट सिविल कोर्ट की डिग्री माना जाएगा उसका आदेश यह भी हम जानते हैं द अवॉर्ड मेड बाय दामनेंट लोक अदालत अंडर दिस एक्ट शल मेजारिटी ऑफ द पर्सन कॉन्स्टिट्यूट इन दर्मनेंट लोक अदालत क्या माना जाएगा मेजोरिटी के बेस में उनका जो अवार्ड है उसको डिसाइड किया जाएगा एवरी अवार्ड मेड अंडर दिस एक्ट बी बी फाइनल एंड नॉट कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी ओरिजिनल सूट एप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग यानी कि क्या है वो अपील में नहीं जाता या उसको आ, सीधे सीधे उसको क्वेश्चन नहीं कर दिया जाता किसी भी कोर्ट पर हमने पढ़ा था फाइनल और बाइंडिंग है लेकिन रिट में ऐसा इसका एक एक्सेप्शन है कि आप रिट फाइल करके और एक दो और इसके एक्सेप्शन से आप उसको फाइल करके

Uh, जहाँ के जो सिविल कोर्ट है उसको भेज सकते हैं उस ऑर्डर को और उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा उस सिविल कोर्ट को एज एफ यू उसी के कोर्ट का क्या हो एक डिग्री हो तो यहाँ पे हमारा चैप्टर सिक्स एक खत्म हुआ आई होप आपको समझ में आया होगा अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट रह गया है जिसकी पॉसिबिलिटी होती है अगर आपके दिमाग में रह गया तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर के पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको। को